हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मी बेबी केयर। तो आज बात करेंगे हम प्रेगनेंसी में बैंगन खाना चाहिए या नहीं। तो प्रेगनेंसी में महिलाओं को अपने खान पान के प्रति काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। इस समय छोटी सी लापरवाही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है महिला के लिए, और प्रेगनेंसी में महिलाएँ जो भी खाती या पीती हैं उसका सीधा सीधा असर पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसलिए महिला को अपने खान पान में हेल्दी चीज़ें ही ऐड करनी चाहिए। बैंगन एक पौष्टिक वेजिटेबल है और बॉडी के लिए इसके अनगिनत बेनिफिट हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में बैंगन का ज़्यादा सेवन करने से रोका जाता है। बैंगन एक इम्यूनिटी बूस्टर होने के साथ साथ वेट लॉस में हेल्प करता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो कि बॉडी के लिए लाभदायक होता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नुकसानदायक होता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में बैंगन को खाने से मना किया जाता है। बैंगन में फाइबर, फ्लोरो एसिड और पोटेशियम होता है जो भ्रूण के विकास में मदद करता है, लेकिन बैंगन का सेवन रोज या ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, इससे मिसकैरेज भी हो सकता है। बैंगन में अधिक मात्रा में फाइटोहार्मोन्स पाए जाते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बैंगन का अधिक सेवन से बार बार पेशाब की समस्या हो सकती है, और बैंगन की तासीर गर्म होने के कारण प्रेगनेंसी में इसके ज़्यादा सेवन से मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। बैंगन में फाइटोहार्मोन्स पीरियड को बढ़ावा देता है। बैंगन से एसिडिटी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। प्रेगनेंसी में बैंगन के ज़्यादा सेवन से प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, इसलिए आप कोई भी ऐसा खाना ना खाएं जिससे आपके बच्चे पर इफेक्ट पड़े। वीडियो छोटी है पर हेल्पफुल है। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अंदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।